इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस चैनल एज द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस विद मोइंग। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 6M टूल, जो कि एक रूट कॉज एनालिसिस टूल होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और उस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप प्लीज उसे डिस्क्रिप्शन से पहले देखिए और फिर उससे मेरे करंट वीडियो को लिंक करके दोनों को कोऑर्डिनेट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, उसके वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर उसमें कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7QC टूल का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है फिश बोन डायग्राम, और जिसे हम इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। इशिकावा डायग्राम एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं 6M टूल की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, 6M टूल के बारे में मैंने डिटेल में बताया था आपको लास्ट वीडियो में। तो किस तरह से हम 6M टूल के थ्रू अपने इशिकावा डायग्राम या फिश बोन डायग्राम के थ्रू रूट एनालिसिस करते हैं, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहा हूँ क्या होता है फिश बोन डायग्राम, और एक प्रॉब्लम लेके हम आज शॉर्ट आउट करेंगे उस प्रॉब्लम को। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा चैनल का टॉपिक है फिश बोन डायग्राम बाय 6M टूल एनालिसिस। फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट में, अपने किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, सपोज अगर मैं, जैसे स्टीयरिंग होती है गाड़ी की, उसमें एक सॉकेट लगता है जिसमें हम ड्रिल करते हैं, तो फ्रेंड्स आज हम उसी का एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। और मुझे ड्रिल करने के बाद जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम है डायमीटर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। मीन्स मैं जब उसमें ड्रिल कर रहा हूं तो मुझे ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है, डायमीटर उसका आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को हम फिश बोन के थ्रू एनालिसिस करेंगे, जिसका हम 6M का इसमें हेल्प लेंगे। 6M क्या है? मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट एंड मदर नेचर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे मैन पे जाएंगे। तो मैन के थ्रू क्या उसमें प्रॉब्लम हो रही है? अगर वो मैन इनएक्सपीरियंस होगा तो भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज अगर उसे हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी हमने मैन को, तो भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सपोज हम उसको मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे इस प्रॉब्लम को, क्या मशीन की स्पीड रॉन्ग है जब हम डायरेक्ट उसमें ड्रिल कर रहे हैं, या फिर रॉन्ग फीड रेट है, या फिर इनसफिशियंट उसके अंदर कूलेंट है। तो फ्रेंड, इस तरह से हम मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम मशीन के थ्रू हो सकती है, हम इस तरह से उसमें मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखेंगे। तो फ्रेंड, फिर हम देखेंगे मेजरमेंट के थ्रू। मेजरमेंट में देखेंगे क्या हमारा जो कैलिपर से उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या वो फॉल्टी है? अगर हमारा कैलिपर भी फॉल्टी होगा तो भी हमारा डायमीटर आउट ऑफ स्पेक हमें मेजर करने में आएगा। फिर चलते हैं मटेरियल की तरफ। फिर हम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉब्लम को देखेंगे। तो मटेरियल को देखना पड़ेगा, हार्डनेस टू हाई, मींस क्या इस मटेरियल जो हम इस पर वर्क कर रहे हैं उसकी हार्डनेस अंडर स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। फिर देखेंगे उसका क्या केमिकल कंपोजिशन आउट ऑफ स्पेक है। मे बी जब अगर केमिकल कंपोजिशन किसी मटेरियल का आउट ऑफ स्पेक होगा, जो अपने स्टैंडर्ड से बाहर होगा, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम इसको मेथड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो क्या हम जो ड्रिल यूज कर रहे हैं, रॉन्ग ड्रिल बिट, मतलब ड्रिल करने के आप जो ड्रिल यूज कर रहे हैं, क्या वो एज पर स्पेक है, जो हमारे स्टैंडर्ड साइज है, क्या हमें वो ड्रिल बिट साइज एक्चुअल में मिल रहा है? और फिर हम आएंगे मदर नेचर पे। मदर नेचर मीन्स एनवायरमेंट, या हमारा प्रोडक्ट के साथ में कैसा टच है वो हम मदर नेचर में लेते हैं। तो सपोज अगर वो आपका एनवायरमेंट टू हॉट मीन्स वह बहुत ज्यादा गर्म है, तो हमारे क्या डायमीटर पे इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड है तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर, इन 6M टूल्स के थ्रू एक एनालिसिस इस तरह से करते हैं। तो फ्रेंड, सपोज हमें जब हमने ये प्रॉब्लम की तो हमें मिला कि इसकी स्पीड मशीन की वो इम्प्रॉपर थी, मतलब मशीन की स्पीड जो हमारे स्टैंडर्ड है उसके आउट ऑफ स्पेक थी, सो ये हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो फ्रेंड, इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम के रूट कॉज को फाइंड करते हैं
देन उसके ऊपर फिर एक्शन लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए ये था हमारा फिश बोन डायग्राम। इसका डिजाइन एक फिश बोन की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसे फिश बोन डायग्राम बोलते हैं। और इसका इन्वेंट किया था इशिकावा ने, जो कि एक साइंटिस्ट थे, दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड आल्सो एज इशिकावा डायग्राम। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। थैंक यू।